गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह राव फ्रॉम एआर कंपटीशन क्लासेस, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो सेंटर लेवल की हो, मतलब केंद्र लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, राज्य लेवल की हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, टॉपिक का नाम जो है वो है सामने फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन का ही एक पार्ट होता है। मतलब कहूँ एक बार तो प्रेपोजिशन से ही निकलकर हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। बस केवल एक अंतर इतना सा होता है कि यहाँ पर जो प्रेपोजिशन जिस वर्ब के साथ में हम फॉलो करते हैं वो अपना खुद का एक पर्टिकुलर मीनिंग रखता है। मतलब एक जनरल वर्ब होती है, जबकि एक वर्ब जो फिक्स प्रेपोजिशन अपने साथ में लेके चलती है, वो दोनों मिल करके, मतलब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिल करके और एक अलग अर्थ देते हैं जो कि किसी वास्तविक वर्ब से अलग हट करके हो। ये चीज हम प्रैक्टिकल करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज के लिए जो फ्रेजल वर्ब का पहला टाइप है जो मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और नाम है बैक। मतलब आज हम बैक से बनने वाले वो सारे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं वन बाई वन, जो कि ऑल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स लाइक SSCO, बैंक हो, CDSO या फिर अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सब में। जी हाँ, सबसे पहला टाइप है बैक। बैक के लिए सबसे पहला फ्रेजल वर्ब बन गया, सबसे पहला प्रेपोजिशन लगा। बैक एज एक वर्ब है और इसके साथ में डाउन एक प्रेपोजिशन हमने लगा दिया और बैक डाउन एक पूरा फ्रेजल वर्ब बन गया, जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू स्टॉप या टू गिव अप इन आर्ग्यूमेंट और फाइट। इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं आसानी से कि किसी से फाइट या आर्ग्यूमेंट में हारने के बाद में सरेंडर कर देना। मतलब अगर जनरली अपन में बात करूं तो जैसे होता है कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मान के चलिए, और उससे आप हार गए। मान लो कि क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हो, क्लास में भी डिस्कस कर रहे हो, और दूसरे ने किसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जबकि पास वाले स्टूडेंट ने बता दिया, आप नहीं बता पा रहे हो, तो आप उस समय भी हार गए। या आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, जैसे मान लो कि कॉलोनी में किसी के साथ में लड़ाई हो गई और वो बड़ी बड़ी बातें करने के चक्कर में बोलता है तू यही रुकना, मैं अपने दोस्तों को फोन करके बुला रहा हूँ और अभी के अभी बुलाता हूँ, अभी के अभी तेरा ट्रीटमेंट करवाता हूँ। जबकि पता ये चलता है कि जब वो आधे घंटे का नाम लेता है, आधे घंटे मेरे दोस्त आ जाएंगे और तेरा इलाज करके जाएंगे, जबकि कोई नहीं आता और लास्ट में वो चुपते हुए और भाग जाता है वहां से, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था उनको। मतलब वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। मैंने इसके एग्जाम्पल भी बोला, ही मेड द डिसीजन टू बैक डाउन From the fight, because his enemy was twice in size. इसका मतलब ये हुआ कि वह उसने अपना डिसीजन जो है वो वापस ले लिया। कहने का मतलब है वो हार गया। क्यों? क्योंकि जब सामने वाले एनिमी क्या थे, उससे डबल संख्या में, तब जाकर के। तो वास्तविकता में यही बात हुई कि इसका मीनिंग जो हुआ, बैक डाउन मीन्स टू स्टॉप या गिव अप इन आर्ग्यूमेंट और फाइट। मतलब किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी बहस में या किसी लड़ाई में पीछे हट जाना, डर जाना, मतलब या बहस करना छोड़ देना। जी हाँ, दूसरे की बात करते हैं अपन, बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब हो जाता है समवन स्टॉप्स डूइंग समथिंग टू अनदर पर्सन। इसका मतलब हो गया जब कोई किसी को परेशान करता है तब बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा होता है, किसी को टीज कर रहा होता है, तो उस समय बोलता है कि बैक ऑफ हो जाओ, पीछे चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। मतलब मैं सेंटेंस बोलूं इसका तो आप सेंटेंस से समझ सकते हैं, बैक ऑफ, चले जाओ यहाँ से। If you keep following me, यदि आप मुझे फॉलोइंग करोगे, I will call the police, मैं पुलिस को बुला लूंगा। इसका मतलब ये हुआ, बैक ऑफ का मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ गलत करते समय रोकना या उसको वहां से भेज देना। कोई गलत कर रहा हो अगर किसी के साथ में, किसी को कोई इरिटेट कर रहा हो, मतलब ये बात इरिटेशन पर लागू होती है। चलिए तीसरे पर बात करते हैं, बैकआउट या बैक आउट ऑफ। ये दोनों एक ही होते हैं और सेम प्रकार से यूज होते हैं, बैकआउट और बैकआउट ऑफ। इसका मतलब हुआ टू ब्रेक प्रॉमिस और एग्रीमेंट। मतलब मान के चलिए आपसे किसी दोस्त ने, आपके ने एक दिन पहले आपसे प्रॉमिस किया कि चल मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, कभी भी तेरे को जरूरत पड़ते आ जाना, और जिस दिन उसको जरूरत पड़ी तो आने पर उसको मना कर दिया उसने कि मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। इसका मतलब बैकआउट या बैकआउट ऑफ, उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। सेंटेंस से समझ सकते हैं, यू कांट बैकआउट नाउ, यू प्रोमिस्ड अस। तुम बैकआउट नहीं कर सकते, तुम वापस से मुकर नहीं सकते, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था। जी हाँ, अगला फ्रेजल वर्ब है बैकअप। बैकअप मीन्स टू से टू सपोर्ट और डिफेंड फ्रॉम अदर पीपल। देखो ये सपोर्ट और डिफेंड फ्रॉम अदर पीपल का बोला जाता है, जैसे आपने देखा हुआ कि कोई कॉन्टेस्ट हो रहा होता है और जो भी पार्टी से, जो भी कंटेस्टेंट जो अप्ले कर रहा होता है,
अपना रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसके जो पार्ट, उसके फॉलोअर्स जो होते हैं, उसके सपोर्टर्स जो होते हैं, वो थोड़ा सा डाउन जा रहा हो, कमजोर पड़ रहा हो, तो उसको सपोर्ट करते हैं और उसको इंस्पायर करने के लिए बार बार बोलते हैं बैकअप, जैसे किसी का नाम होता है तो बैकअप फ्रेंड, बैकअप ये, बैकअप वो, मतलब उसका मॉरल और उसको इंस्पायर करने के लिए ये बोला जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ बैकअप सिंपली बोला जाता है टू सपोर्ट और डिफेंड फ्रॉम अदर पीपल। एग्जाम्पल से समझते, इफ दे ट्राई टू फाइंड यू, इफ दे ट्राई टू फाइट यू, अगर वो आपको फाइट करना चाहता है, दे ट्राई, यदि वो चाहते हैं आपको फाइट करना, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल बैक यू अप, आई बैकअप यू, मैं आपको वापस से बैकअप कर दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। चलिए, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, बैकअप का दूसरा मीनिंग होता है टू डुप्लीकेट डेटा इन अ कंप्यूटर और मोबाइल। जैसे आप देखते हो काफी बार कि हमारा मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद में हम वापस से ऑटो उसको वापस से बैकअप करते हैं फाइल्स को, एक ऑप्शन आता है, तो वही बैकअप है और वो फ्रेजल और से बना। चलिए अगले पर बात करते हैं, बैक इन टू। बैक इन टू का मतलब होता है टू एडजस्ट कार इन अ पार्किंग। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि हम पार्किंग में जा रहे होते हैं, स्पेस नहीं होता, सीधे गाड़ी नहीं जा सकती, तो हम बैक करके गाड़ी को और छोटी सी जगह में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एट दैट कंडीशन हम बैक इन टू का यूज करते हैं। ये इतना ज्यादा हाईली यूज होने वाला नहीं, लेकिन आपको जनरली ध्यान रखना है कि बैक इन टू, ऐसे ही बैक इन भी होता है जो सेम यूज किया जाता है। चलिए अगले पर बात करते हैं, बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है टू रिट्रीट या मूव अवे इन फियर, मतलब टू रिट्रीट, इसका मतलब समझ सकते हो आप, टू रिट्रीट या मूव अवे, मतलब जब भी कोई व्यक्ति डर के मारे, जब उसको डर लग रहा और डर के मारे एक जगह से स्थान छोड़ देता है या पीछे की तरफ हट जाता है, डर के मारे, स्पेशल फोकस देखो, डर के मारे जब वो छोड़ देता है स्थान। एक व्यक्ति वो होता है जब किसी को इरिटेट करता है और इरिटेट करने की कंडीशन में जब वो बैकआउट करता है, और ये है रिट्रीट और मूव अवे की कंडीशन पे हम बोलते हैं, मतलब डर के मारे। चलिए बात करते हैं एग्जांपल से, एज ही सॉ ए स्नेक, जैसे उसने एक स्नेक देखा, ही बैकड अवे वेरी स्लोली, और वो बहुत जल्दी से वहां से बैकड अवे, पीछे लौट गया। इसका मतलब हो गया डर के मारे पीछे हट जाना या फिर वापस से लौट जाना। तो फ्रेंड्स एक बार लास्ट में समरी कर लेते हैं पूरे फ्रेजल वर्ब का जो अपन ने अब तक पढ़ा, जिसमें सबसे पहला था अपना बैक डाउन, मतलब बैक डाउन का अपन यूज करते हैं, बैक डाउन फाइनली गिव अप कर देना, हार मान लेना किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी फाइट में, जब एक दूसरा कॉम्पिटिटर अपने आप को पीछे लौटा देता है या हार मान लेता है, उस कंडीशन पर यूज करते हैं बैक डाउन का। दूसरा बैक ऑफ का मतलब होता है टू रिट्रीट, इट मींस टू से इरिटेट करने पर, किसी व्यक्ति को इरिटेट करने पर जब वो पीछे लौट जाता है या इरिटेट करके पीछे लौट जाना, मतलब पीछे छोड़, अलग हट जाना, पीछे की तरफ चले जाना, दैट्स मीन टू से अपन बैक ऑफ का यूज करते हैं। वैसे आप देख सकते हैं टू रिट्रीट यहां पर भी है और रिट्रीट यहां पर भी है, दोनों का मतलब ये हो जाता है, टू रिट्रीट ये तो होता है रिट्रीट करने पर, और ये होता है डर के मारे, मतलब किसी भी चीज को देख करके और हम किसी चीज से पीछे हट जाते हैं। आपने देखा होगा काफी बार मूवीज में भी ऐसा दिखाया जाता है, जब भी कोई विस्फोट होने वाला होता है तो सभी जनता को, जनसंख्या को, वहां पर जो मौजूद है उन सबको पीछे लौटा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर एक दर्शा होता है, तो उस कंडीशन में हम बैक अवे का यूज करते हैं, बैक अवे लोगों को। और बैक ऑफ का मतलब होता है इरिटेट करने पर पीछे हट जाना, जब होता है ना कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, टीज कर रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है, दुखी कर रहा है, तो वो बोलता है चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे लीव कर दो, अकेला छोड़ दो, लाइक दैट। बैकआउट मतलब टू ब्रेक प्रॉमिस, और बैकआउट ऑफ का मतलब भी क्या हो जाता है, टू ब्रेक प्रॉमिस आर द सेम कंडीशंस। एंड बैकअप का मतलब हो जाता है वही बैकअप करना, किसी को कॉन्टेस्ट में सपोर्ट करना, कमजोर पड़ रहा हो, रेसलिंग में किसी को सपोर्ट करना, क्रिकेट में सपोर्ट करना अपने कॉन्टेस्ट को। चलिए बैक इन टू का मतलब वो एडजस्ट करना, कार को एडजस्ट करना पार्किंग के दौरान प्रॉब्लम आ रही हो तो, और बैक अवे जैसा अपन पढ़ चुके हैं टू रिट्रीट। तो फ्रेंड्स ये था बैक का फ्रेजल वर्ब, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता दूं अगला जो मेरा वीडियो होगा जिसमें हम बैक के प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही रहेंगे जो अबाउट बैक होते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के अपन अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।